एक टॉपिक है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, इकोलॉजी में जनरल है, और वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत से इफेक्ट्स हैं। उसका एक इफेक्ट स्पेसिफिक है समुंदर के अंदर मौजूद जजीरों। यार के समुंदर में जजीरे दो किस्म के होते हैं, बहुत छोटे वाले भी हैं, दरमियाने हैं, बहुत बड़े वाले भी हैं। हम छोटे जजीरों की बात करेंगे। छोटे जजीरे जो कि बहुत ज्यादा है, मिसाल के तौर पर अगर आप कभी मैप को, दुनिया के मैप को गौर से देखें, तो पैसिफिक ओशन के अंदर आपको बहुत ज्यादा आइलैंड नजर आएंगे, और वो हर तरह के हैं, छोटे दरमियाने साइज के, बड़े वाले जजायर। इवन जो ऑस्ट्रेलिया है जिसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, उसको अगर हम मैप के अंदर देख रहे हो तो वो आपको बहुत बड़े जजीरे की तरह नजर आएगा। ग्रीनलैंड भी ऐसे ही एक बहुत बड़ा जजीरा है। ऐसे जो ज्यादा बड़े जजीरे हैं उनमें मडगास्कर, मलागसी अफ्रीका के पास है, श्रीलंका इंडिया के पास है, और बोर्नियो ये इंडोनेशिया का हिस्सा है। वैसे के लिए इंडोनेशिया ज़ाते खुद काफ़ी बड़े साइज पे है और बहुत पॉपुलेट भी है। जापान, मैंने चंद एक मशहूर जगहों का नाम लिया जो मशहूर ममालिक भी हैं साथ साथ, उसके मुकाबले में बहुत छोटों में मालदीव, मालदीव इंग्लिश ने, उर्दू में मालदीव कहते हैं, छोटे साइज के जजायर हैं। बहरहाल दुनिया में हर तरह के छोटे बड़े मुख्तलिफ किस्म के जजायर मौजूद हैं। ऐसे जजीरे जो छोटे साइज के हों और गहरे समुद्र में मौजूद हों, उनकी जिंदगी शदीद खतरे में है, जजीरों के भी और जो लोग वहां पे रहते हैं उनकी जिंदगी भी शदीद खतरे के अंदर है। अब सोचने वाली बात यह है कि उन जजीरों पे रहने वालों की जिंदगी को किस चीज से खतरा है, खासतौर पर छोटे जजीरे, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, छोटे जीरो या दरमियाने साइज के जीरो में ज्यादा खतरा मौजूद होते हैं, बड़े साइज के जीरो में खतरा कम, जिनका नाम मैंने लिया हुआ जी। किसी के जहन में कोई कंसेप्ट आ रहा है कि क्या खतरा होगा उनको छोटे जीरो में? सर, ऐसी जगहों पे जल्दला आते जो हैं। जी, एक एक जी, पहले इरसा सर, ऐसी जगहों पे आपने बताया था कि उस साइड पे ज्यादा ओजोन डिप्लीशन है, तो वहां पे स्किन कैंसर वगैरह ज्यादा हो। और जी इरसा का जवाब जी, उसके बाद और कौन जवाब देना चाह रहा है? सर, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगी तो उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ेगी वहां से। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कैसे होगी? सर, वहां से पानी, सर वो जजीरे खत्म हो जाएंगे ना, छोटे हैं उनका, तो वो नहीं, जगह छोड़नी पड़ेगी। नहीं, आपने सारे का सारा बैकग्राउंड छोड़ दिया और रिजल्ट बता दिया है, जॉब लॉजिकल होना चाहिए जी। और कोई जी, और कोई जॉब देना चाह रहा हूँ? जी सर, जब ग्लोबल वार्मिंग अब ज्यादा हो रही है तो इसकी वजह से जो है वो इधर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो रहा है, तो ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, तो ऐसे जो समंदर की जो सतह है उसके पानी में जो है वो इजाफा हो रहा है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि जो बहुत छोटे जजीरे हैं वो खत्म हो जाएं। जी, अमारा ने जो जॉब दिया है, गौर कीजिए, अमारा का जॉब बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल है, और उसने अगरचे उसने कोई छोटी से नहीं कहा, उसने हो सकता है लफ्ज इस्तेमाल किया है। याद रखिए ये लफ्ज, जब आपको पता है, अगर आपको ये मालूम है कि आप जो बता रहे हैं दुरुस्त है, तो फिर ये लफ्ज यूज नहीं करना चाहिए। अमारा का जॉब बिल्कुल ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से पिछले 100 साल में जमीन का एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करके है। इस 1 डिग्री टेम्परेचर राइज के नतीजे के तौर पर पोलर आइस कैप्स, नॉर्थ पोल पे भी साउथ पोल भी, दोनों साइड पे पोलर आइस कैप्स अपने मार्जिन के ऊपर पिघलना शुरू हो गई। इसका रिजल्ट मैं किसी और टॉपिक पर डिस्कस कर सकता हूँ, आपको शायद भूल गया। एग्जाम्पल मैंने दी थी कि वो पोलर आइस कैप्स जो रशिया की नॉर्दर्न साइड पे, साइबेरिया की जो इनथाई टॉप साइड है, जहाँ पे आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन बिल्कुल जमा हुआ था, और उस तरफ से रशिया का, रूस का, यूएसएसआर का दुनिया से कतई कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि वहाँ पे इतनी बर्फ़ पिघल गई है कि वहाँ विच लॉन्चेज, मोटर बोट्स, कश्तियाँ वगैरह चलना शुरू हो गई है, और इवन एक जहाज, छोटा जहाज था जिसने वहाँ पे ट्रेवल किया है, साइबेरिया वाली साइड पे जो रशिया का पार्ट है, वहाँ से उसकी ईस्टर्न साइड के ऊपर जिस साइड पे जापान वगैरह है उस साइड पे जाते हैं। अब ये तो सबने सिर्फ ये जिक्र किया कि यहाँ पे पोलर आइस कैप्स पिघल गई है, उसके पिघलने का रिजल्ट जो कि हमारा ने बताया वो बहुत क्लियर है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। आपने सी लेवल के नाम से तो वाकिफ है,
अब सी लेवल डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, और इस इंक्रीज का सबसे पहला इफेक्ट जो है वो पड़ेगा उन जजीरों पे जो समुद्र में हैं, छोटे छोटे हैं। और क्योंकि याद है जी, मैं ये फिर लेक्चर की शक्ल में दे रही हूँ, स्क्रीन शेयर करना याद नहीं रहता, कि स्क्रीन शेयर कर दी जाए ताकि जो चीज़ें हैं, क्योंकि जो चीज़ आपके सामने लिखी जा रही हो, बोली बयान की जा रही हो, बयान करने में और लिखने में बहुत फ़र्क होता है। जिस समय लिखी मौजूद हो, उसमें वो ये है कि कोरोना ने हमें बजाय एडवांस दुनिया में, बाहर हम यही समझ रहे हैं कि हम शायद ज़्यादा एडवांस हो गए, एक्चुअली हम और पीछे चले गए। पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे 1/3 बच्चे तो क्लासेज अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, चूँकि वो देहाती इलाकों में। ओवरऑल मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आपकी क्लास की बात नहीं, मेरी ओवरऑल क्लास की बात हो रही है। वो बच्चे जिनका देहात से ताल्लुक है, दूर दराज इलाकों से ताल्लुक है, वो तो बेचारे क्लास को जॉइन कर सकते हैं, उनके पास नेट की फैसिलिटी ही मौजूद नहीं है। ठीक है, मैं एक लफ्ज़ लिखूँ पहले, इको क्राइसिस हमारा हेडिंग था, और इसमें जो सब हेडिंग मैं दे रहा हूँ वो है जी ग्लोबल वार्मिंग। अब चूँकि इसका बैकग्राउंड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग को स्पेन करने के बजाय इसका जो इफेक्ट है, और वो है जी मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, इसका इफेक्ट हो गया, इसका इफेक्ट इंक्रीजिंग सी लेवल, इंक्रीजिंग सी लेवल, और इंक्रीजिंग सी लेवल का इफेक्ट जो है वो है हमारा जो जहां तक हम पहुंचे थे स्मॉल आइलैंड्स, छोटे जजीरे जो कि बहुत ज्यादा है दुनिया में, स्मॉल आइलैंड्स अब इसके लिए बहुत से अल्फाज हैं, कुछ भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जब जैसे 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 मैं इसकी तस्वीर बनाने लगा हूँ, ये तस्वीर बनाने के लिए मुझे ऐसे करना होगा, ये ज़मीन है, ये जिसकी हमने डिस्कस किया, मैं उनको ये ज़रा ज़मीन गोल की बजाय कुछ और बन गया है, इसको गोल ही समझना है। अब माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा, इसका क्या हाल है, माउस 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 ये वापस जमीन है जी। चलिए अब कुछ ना कुछ तो बनी गई है, ये मैंने ऐसे और ऐसे आर्टिक रीजन दिखा दिए हैं दोनों साइड के ऊपर। यहाँ पे वो रशिया का इलाका है, ये रशिया कह लीजिए इतने बना है, साइबेरिया, साइबेरिया पार्ट ऑफ रशिया। अब यहाँ पे आइस कैप्स हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे आइस कैप्स हैं, और ये आइस कैप्स जो है मेल्ट हो रही हैं। अब इनके मेल्ट होने से ये जगह मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये आपको क्लियर नज़र आ जाए। मेरे ख्याल में ये मैंने जिस जगह पर निशान लगाया है, ये समुंदर का साहल था जहाँ पे बर्फ जमी हुई थी, और यहाँ पे ये जो आइस है वो मेल्ट हो गया जी। डायग्राम क्लियर नजर आ रही है आप लोगों को, डायग्राम क्लियर है जी सर? आइस के लिए आपको स्नो कहना चाहिए, वैसे तो लोकस दोनों सेम इस्तेमाल होते हैं, आइस कह लें स्नो कह लें। ये पिघल गई है, अब ये रशिया कहलाता था, एस पी लिखा है जिस पूरा लिखते हैं साइबेरिया, ये साइबेरिया था जो मैंने यहाँ पर लिखा था, एक ये हो गया। अब यहाँ पे समुद्र में जजीरे हैं, मैं एक जजीरा फर्स के लिए, इस तरह से बहुत से जजीरे हैं स्मॉल आइलैंड्स। अब इसी आइलैंड को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये समुद्र को हम नीले में शो कर देते हैं ताकि वो गड़बड़ ना रहे। ये सी लेवल है, दिस इज सी, और इसी के अंदर मैं करड़ के अंदर शो करूंगा जो ताकि नज़र आ जाए जजीरे। ये फर्ज कीजिए सी में रिज है, और ये एक जजीरा, ये इसको रिज दिखाया मैंने, ये पहाड़ कह लीजिए इसमें, और अब पानी को दोबारा नीले कलर में ही शो करते हुए। ये सी लेवल है,
तो आप देखिए कि जजीरा बहुत छोटा साइज का है ये जजीरा, इट इज वेरी स्मॉल आइलैंड ये जो तस्वीर आपके सामने है। अब इसमें अगर याद रखिए कि जजीरे को भी अगर हम, ये चूंकि मैंने बहुत छोटा बनाया है मैं इसी को बड़ा करके दिखाने लगा हूँ, इसको दिखाने के लिए जो मैं ऐसे करने लगा हूँ, ये तस्वीर तो लेके जा रहा हूँ, ये वही जजीरा है ये ऐसे है ठीक है, और इसके साथ मैं पानी का लेवल दोबारा शो करने लगा हूँ कि पानी किस जगह पे है, ये जीरा ये इसके आसपास ये पानी है, इधर पानी है इधर भी पानी, ये मैंने इसको बड़ा किया है, कलर तो बार बार चेंज करना पड़ता है, इससे प्रॉब्लम पैदा होती है, इसलिए कन्फ्यूज ना रहे आपको तो। दिस इज आईलैंड और ये सी लेवल है। अब चूंकि ये चीज़ आपके सामने है, जब सी लेवल इंक्रीज करेगा तो ये इंक्रीजिंग सी लेवल आहिस्ता आहिस्ता इस जजीरे के ऊपर ऐसे इंक्रीज हो रहा है, इट विल टेक टाइम, इसको टाइम लगेगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर एक जजीरा बहुत छोटा है तो वो तो बहुत जल्द डूब जाएगा, और ये वजह है कि जो छोटे जजीरे हैं उनके डूबने के चांसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं। कुछ जजीरे ऐसे हैं जिनके नाम भी नहीं रखे गए हुए, जहाँ पर आबादी नहीं है वो तो वैसे ही गायब हो जाएंगे, लेकिन जहाँ आबादी है, अब कुछ जजीरे ऐसे हैं जहाँ की टोटली 1,000-2,000 के करीब पॉपुलेशन मौजूद है, कुछ स्मॉल आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत थोड़ी है, और उसके लिए स्मॉल पॉपुलेशन थोड़ी सी पॉपुलेशन है, बेशक थोड़ी है लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा जब वो जजीरे डूबेंगे, 1,000-2,000 मैंने अभी मिसाल दिया, फर्ज कीजिए 1,000 लोग, अब एक काम रखे जो कि 1,000 ही लोग ने की फर्क पड़ना, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है इस वक्त दुनिया में सूरत हाल क्या हो चुकी है, दुनिया बहुत जालिम हो चुकी है, ये फिल्मों का मुहावरा नहीं है ये हकीकत है। एग्जाम्पल्स, दुनिया में सबसे ज्यादा अखुवत, दुनिया में सबसे ज्यादा मुतहद कौम कौन सी थी या कौन सी है या कौन सी होनी चाहिए आपके पास को? कोई जवाब? कौन सी कौम दुनिया में, कौन सी नेशन, कौम नेशन कह लीजिए, कौन सी कौम मुतहद है या इसको मुतहद होना चाहिए, या किन को सबसे ज्यादा मुत्तफिक और मुतहद होना चाहिए, और इस कौन पूरा उतर रहा है आपके पास को? डर होना तो मुसलमानों को चाहिए जी, जवाब किसने दिया जी, ये वाला मुसलमानों वाला आमना ताहर, वेरी गुड आमना ताहर का जवाब, सारे नॉन मुस्लिम्स हो रहे हैं जी, आमना ताहर का जवाब दुरुस्त है जी, आमना ताहर ने कहा जी कि मुसलमानों को मुत्तहिद और मुत्तफिक होना चाहिए, और साथ ही सर में जवाब दे दिया है उसका सेकंड पार्ट, अब होना तो मुसलमानों को चाहिए था, मसलन कुरान पाक की वर्डिंग है ला तफर रखो, फिरकेबाजी ना करो, अल्लाह की रस्सी को वा तस्मो भी अब ला जमी वाला तफर रखो, अल्लाह की रस्सी को हम में रखो, यानी मुसलमानों को एक उम्मत वादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हम का मतलब मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कहने की हद तक मुसलमान है, और ये जो हमारे टॉपिक्स है याद रखिए कि होता ये है कि हमारे टॉपिक्स आइसोलेटेड नहीं है बल्कि ये अदर चीज़ों से भी रिलेटेड है। अब हम पढ़ते रहे हैं इको क्राइसिस, इस इको क्राइसिस का ताल्लुक हमारे रिलीजन दुनिया के लोगों के साथ भी है, और ज़्यादा लोगों के साथ है तो हमारे मजहब के साथ भी है, इस चीज़ का ताल्लुक सियासत के साथ भी है, हुकूमतों के साथ भी है, मैं उसी की तरफ आने लगा हूँ, ये सब चीज़ें जनरल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ज़ाहिर कुछ चीज़ें लगता है कि सर इनको सोशियोलॉजी होना चाहिए था, लेकिन चूँकि आपके सिलेबस में उन्होंने इस तरह के टॉपिक शामिल किए हुए हैं और इसमें एनवायरमेंटल लॉज वगैरह भी आएंगे, मैं उसी की तरफ इसको लेके जाने लगा हूँ सब चीज़ों को। फिर ये आपके सामने के जो बात हुई कि अगर थोड़ी सी आबादी है हो सकता है कोई बंदा कहते चले ठीक है कोई बात नहीं, अगर वहाँ जीरा खत्म हो गया तो किसी और जीरे पर भेज, क्या ऐसा मुमकिन है आजकल के दौर में, इज़ इट पॉसिबल और नॉट, क्या ये मुमकिन है कि वो वहाँ से निकल के ये जीरा है फर्जी जहाँ किसी बंदर की हम बात कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि एक छोटे जीरे से निकलें और किसी और दूसरे जीरे में चले जाएं, क्या ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? फर्ज कीजिए ये बहुत ही छोटा जीरा है ये वाला, इतना परेशान लगा दिया, क्या यहाँ से निकल के यहाँ पे जा सकते हैं, ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? जी कोई जवाब क्लास में से, क्लास बड़ी अच्छी और बड़ी पढ़ी लिखी क्लास है, तो बहुत मुश्किल हो गया जान। ये जॉब किसने दिया है? जहाँ इकरा जहाँगीर ने आंसर का
जी ठीक है, आप इसकी रीजन बतानी है क्यों, क्या वजह है? वहाँ पर जाने के लिए उनको कुछ चाहिए जाने के लिए, उनके पास वो चीजें। चलो ठीक है ठीक है, आपने एक पैर उसका सामने रखा कि जो यहाँ मौजूद है यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, जा रहे को कश्ती होनी चाहिए, समुद्र के अंदर आम कश्ती नहीं चल सकती है, वहाँ बहुत ही प्रॉब्लम थी। आपने जो कहानियाँ पढ़ी होंगी जमाने के दिन में दो कश्तियाँ वो वाली होती थी, लोग सबसे जानते हैं। आजकल जो लोग हैं आजकल जदीद लोग कहते कि हम अपने आप को बहुत ही बड़ा पुण्य समझते हैं, वो ट्रम्प हो या वो क्रम्प हो वो यही समझता है कि मुझसे बड़ा दुनिया में सुपरमैन कोई नहीं, लेकिन हकीकत है कि हम यानी इंसान शुरू से बहुत नाजुक हैं। हेल्थ के लिहाज से पहले कुछ लोग बेहतर होते थे, लेकिन आज मौजूदा दौर में मजमूरी दौर पर मेजॉरिटी लोगों की बहुत ही कमज़ोर है, और इम्यूनिटी के लिहाज से और भी कमज़ोर हो चुकी है। और वो दौर ख़त्म हो गया जब लोग तैर के और छोटी मोटी कश्तियों में समुद्र में ट्रैवल कर लेते थे, जब से मैकेनाइज मशीनी दौर आया है जहाज लॉन्चेज और ये चीज़ें, तो ये ट्रैवलिंग पॉसिबिलिटीज इससे बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स। अगर चूंकि अक्सर वे जजीरे सेपरेट, बहुत से ज़्यादा ऐसे हैं जो सेपरेट इंडिपेंडेंट हैं, या एक और लफ्ज़ है, अब ये लफ्ज़ मैं इस पर अगर लिखूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं लिख के देता हूँ। आप समझते हैं कि एथनिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? एथनिक जी इस लफ्ज़ से वाकिफ है कि नहीं सर? एथनिक नस्ली होता है। चलो ठीक है, कुछ हद तक आपका जवाब दुरुस्त है। याद रखिए दुनिया में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, पीछे कहीं पे तसव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। याद रखिए कि इंसानों में तमाम दुनिया के इंसानों में ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर से डिनाई नहीं कर सकते, ग्राउंड रियलिटीज है ह्यूमन नेचर का। लोगों में नंबर एक रिलीजन मजहब के लिहाज से, मजहब एक बहुत बड़ा फैक्टर है बहुत से लोगों के लिए, रिलीजन एक हो गया, रेस नस्ल के लिहाज से, और कुछ रेसेस में तो ये बहुत ज्यादा है, दो हो गए, ट्राइब ट्राइबल, आप समझते हैं ट्राइब क्या होता है और ट्राइबल क्या चीज होती है, टी आर आई का नाम हो गया ट्राइब, छोटे माने को नस्ल कह सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाए तो इवन सेम रीजन होते हुए सेक्ट यानी फिरका, फिरका वारियत शुरू मारूफ है, और मुसलमानों को सबसे नुकसान जो है वो फिरका वारियत पहुंचा रही है, जिस मैंने मुसलमानों का जिक्र किया और जगह पे भी ऐसे है, और इवन लैंग्वेज की हद तक। लैंग्वेज मैंने चंद एक लफ्ज लिखे हैं एथनिक के सामने, एथनिक प्रॉब्लम में मजहब के लिहाज से, नस्ल के लिहाज से, इवन कबायल जात पात के लिहाज से, सेक्ट फिरका जो कि मजहब का सब पार्ट होता है, लैंग्वेज जबान के लिहाज से इंसानों में तसव बहुत ज़्यादा है। अगर एक जीरे और उसे जीरे में लोगों में थोड़ा सा फ़र्क है मजहब का या किसी भी पॉइंट का जिनका जिक्र किया गया, तो वो लोगों को कबूल नहीं करते हैं। उसकी मिसालें देने लगाओ, ये छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी मिसालें हैं, और इनका मैं पाकिस्तान से शुरू करूँगा। आई एम श्योर कि सब लोग इस बात से वाकिफ हैं, दुनिया में सबसे बड़ी जो माइग्रेशन हुई एक नज़रिए की बुनियाद पर, और वो नज़रिया दो कौमी नज़रिया था, ये समझते हैं आप लोग इसको? नहीं समझते? मैंने बहुत वजाहत भी करनी है, अगर पता है तो आपने बताना भी है। मुसलमान इस्लाम और जो कुफर है उसके उसकी बुनियाद पर किया गया था कि मुसलमानों के बिल्कुल अकायद नज़रिए अलग हैं और हिंदुओं के अलग हैं, इसी बुनियाद पे किया गया था, सेपरेशन की गई थी दो ममालिक की लोगों की। जी आमना ताहर ने बस पूरा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बहर याद रखिएगा पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान पीएके फॉर पाक और एचआईएनडी फॉर हिंदूज, वैसे तो बहुत सी हैं लेकिन मैंने सिर्फ दो का जिक्र किया। बरसगीर, ये बरसगीर का एरिया जी, बरसगीर इस जगह पर, इस बरसगीर में मुस्लिम्स और हिंदूज प्लस बहुत ज्यादा मजहब लोग मौजूद थे, लेकिन जब प्रॉब्लम पैदा हुई अंग्रेज़ों के दौर के बाद तो आखिरकार जो डिसाइड हुआ ये कि दोनों को सेपरेट कर दिया जाए, और पार्टीशनिंग ऐसे हुई कि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ इंडिया, और एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश जो बनाबाद में, ये वेस्ट पाकिस्तान था डिग्री फॉर वेस्ट है, ये ईस्ट पाकिस्तान और दरमियान में इंडिया। अब दो पार्ट्स बन गए और सिर्फ 25 साल तक इकट्ठे रह सके और उसके बाद सेपरेट हो गए। जब सेपरेट हुए अब एक बहुत बड़ा मसला है जिससे आप वाकिफ नहीं हैं, लेकिन जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके बारे में सोचिए। आई एम श्योर आप लोगों ने बिहारियों का नाम जरूर सुना होगा, कितने लोग हैं आप में से बिहारी के लफ्ज़ से वाकिफ हैं? पूरी क्लास से सवाल किया है जी, इको क्राइसिस की बात सुना हुआ है, सिर्फ सुना हुआ। किसी को उसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन हो कोई?
सर ये इंडिया का था, एक सूबा था बिहार, वहां से जो लोग गए थे माइग्रेट करके बिहारी वो वाले। चलो यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब पूरी बात ये मैं इसको अच्छा छोटा बन गया, जरा मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं। बिहार कुछ यहाँ पे करके वाकया था जो कि बिल्कुल ईस्ट पाकिस्तान के करीब था। अब वो लोग उन्होंने माइग्रेशन की और वो ईस्ट पाकिस्तान में चले गए 1947 में। बिहार बिहारी मैं लिख देता हूँ जी, एक ऐसा मसला है जो बड़ा बिहारी का लिख दिया, ये यहाँ पे थे माइग्रेट करके ईस्ट पाकिस्तान में चले गए जो बाद मंगलेश बन गए। अब 1971 में जब वो क्राइसिस हुआ सारा का सारा, ईस्ट पाकिस्तान कन्वर्ट हुआ बांग्लादेश में। अब इन लोगों ने जो बिहारी थे उनकी जो लैंग्वेज है वो उर्दू से मिलती जुलती है बिल्कुल, उन्होंने इस चीज़ को कबूल नहीं किया कि हम इनके साथ यानी जो बंगाली लोग हैं उनके साथ जो हैं हम अटैच हो जाएं, वो पाकिस्तान के साथ वफादार हो जाते, हम पाकिस्तान में जाएं। अब वहाँ से सिर्फ कुछ लोगों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे ला सके, उनकी मेजॉरिटी अभी भी 25 लाख से ज़्यादा बिहारी मौजूद हैं इस वक्त बांग्लादेश जो के अंदर, जो कि सबका ईस्ट पाकिस्तान है। अब 25 लाख ये उस दौर में थे, अब तो इनकी तादाद में ज़्यादा इजाफा भी हो चुका है। ये वहाँ पे पनाह जिन कैंपों में, इनको जस्ट कैंपों में रखा गया है, इनको वहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, इनके पास सेहत की, मेडिसिन की, किसी चीज़ की, एजुकेशन की, जॉब की कोई सहूलत नहीं है। अब सोचिए पिछले ये 1970-72 का ज़माना है, 1972 में शुरू हुआ था ये सारा कुछ, और उस वक्त से लेके अब तक ये मसला हल नहीं हो सका है। असली तौर पर तो दो पॉसिबिलिटी थी, या तो वो लोग बांग्लादेश को सेट कर लेते और वहाँ की शरीयत अडॉप्ट कर लेते, या पाकिस्तान उनको वहाँ से यहाँ पे माइग्रेट करके ले गया, लेकिन दोनों ही काम नहीं हुए। वो लोग अभी तक कैंपों में मौजूद हैं, और वो आप चूँकि आप जस्ट ये देखिए कि अभी जब ये लॉकडाउन हुआ था, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन हुआ था सिर्फ घरों में पाबंद किया गया था, घरों से बाहर जाके घर में से ज़्यादा कोई एक बंदा है, एहतियात लोग कर रहे थे कुछ कुछ, कि सिर्फ एक बंदा गया और जाके खाने का सामान सब्जी फल वगैरह इससे अवेलेबल। लेकिन जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, वो कैसे गुजारा करेंगे? और ये लोग जिनको कैंप से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, जिनके लिए तालीम की कोई फैसिलिटी नहीं है, जिनके लिए सेहत की कोई फैसिलिटी नहीं है, इनका गुजारा कैसे हो रहा है? दुनिया के कुछ यूएनओ के जरिए इनको थोड़ी बहुत इमदाद मिलती है, जिसके बेस पे वो जस्ट हैंड टू माउथ यानी जस्ट अब यूँ समझे कि दिन में एक टाइम खाना मिल जाता है इनको, लाना मिल के, और जिस तरह से इंसानियत की तहकीर की जाती है। अब हम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, क्या कभी किसी मुसलमान मुल्क ने इन मुसलमानों के लिए कुछ सोचा, कुछ कहा? और वही सवाल जो मैंने शुरू में रेज किया था कि क्या हम वाकई मुसलमान हैं? दूसरा जुल्म जो कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ आपके सामने है, कश्मीर पे इंडिया का कब्जा है, इंडिया ने कब्जा किया, और कौन सा था कि ममालिक ने उस दौर में लोग कितने बेहतर थे, किरारदादें पास थे, वो किरारदादें मौजूद हैं, लेकिन अब जब जरूरत पड़ी, अब जब कुछ हो रहा था सब कुछ, तो उस वक्त बड़े बड़े मुस्लिम वाले, याद रखिएगा मुसलमान सबसे पहले सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, लेकिन सऊदी अरब जो है इस वक्त ऑपोजिट हो गया, वो बजाय मुसलमानों को फेवर करने के उन्होंने इंडिया को फेवर किया और मुआहदा किया उन्होंने इंडिया के साथ, बहुत बड़ा जाती मुआहदा उस दौर में जबकि कश्मीर के ऊपर मुसलमानों ने बहुत जुल्म किया। दूसरा हम ये कह लीजिए कि वो मजहब नहीं बल्कि सिर्फ अपनी तजारत, अपने पैसों को देख रहे हैं। जब ये है तो उसका मतलब है कि उम्मत मुसलमान का कंसेप्ट खत्म हो चुका होगा। शाह नादरी कहीं पर बुलाया गया जो अपने आप को मुसलमान कहते हो, लोग सिर्फ दावा करते हैं मुसलमान होने का, मुसलमान कोई नहीं है। बहरहाल मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है जी दुनिया से, अब वो भी ऐसी जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक है, एक जजीरों की मिसाल दी है, और एक ये कि जो लोग माइग्रेशन करना चाहते हैं माइग्रेट, उनको क्यों इजाज़त नहीं जाए, इस मसले का हल क्या होगा, कैसे हल किया जा सकता है। मैंने आपको एक क्राइसिस, देखिए ये क्राइसिस लोगों की माइग्रेशन है, इससे ताल्लुक सोशियोलॉजी से, लेकिन उसमें जो कुछ इन्वॉल्व हो चुका है, जो कुछ सूरत हाल है, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जहाँ भी वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे इतनी पूरी सूरत हाल है, दुनिया में शायद ही कहीं पे इतनी गलाजत होगी इतने के वहाँ पे है। जब अफगानिस्तान से माजरीन पाकिस्तान में आए थे
तो पाकिस्तान ने इनको बहुत बेहतर सहूलियात दी और उस तरह की पाबंदियाँ नहीं थी जैसे यहाँ पे इन लोगों पे। वो लोग यहाँ से पढ़ लिख के भी गए हैं और यहाँ वो पैसे भी कमा के गए हैं, जबकि इन लोगों के लिए वो नहीं। अब मैंने एग्जाम्पल दे दी है कि अगर उन लोगों से जो मुसलमान हैं और पूरी दुनिया में कोई 2-1.5 अरब के मुसलमान मौजूद हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, तो वो जो लोग जो छोटे छोटे जीरो में हैं वो कहाँ जाएंगे? ये है जी वो इको क्राइसिस जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ अटैच है। और मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया में मसले बहुत ज़्यादा हैं। किसी एक मसले को पकड़े हैं तो उसके ऊपर पूरी की पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं। हम तो एक मसले के ऊपर सिर्फ एक लेक्चर भी कर सकते हैं, ज़्यादा इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, चूँकि उसके लिए तो बहुत कुछ चाहिए होता है। बहरहाल बहुत मुसर तौर पर मैंने एक न्यूक्लियर पावर जो आती है इसके अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये भी इसमें आ सकते हैं अगर हम वर्ल्ड के इको क्राइसिस की बात करें तो। हाँ, उसमें जी, आपने चूंकि दोस्तों का जिक्र कर दिया, याद रखिए कि जो न्यूक्लियर रिसर्च है वो एक अलहदा चीज़ है। मैं मिसाल देता हूँ, लाहौर आपके सामने नज़दीक ही है, पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं भी और इवन GCU गवर्नमेंट कॉलेज स्ट्रीट लाहौर, इन दोनों जगहों पर फिजिक्स में रिसर्च हो रही है और वो रिसर्च न्यूक्लियर फिजिक्स लेवल के ऊपर है। वो आप समझते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का अलग किसी चीज़ से होता है। ये दो जगह होगी। अब यहाँ पर जो रिसर्च हो रही है वो ज़्यादा पीसफुल मकासद के लिए होती है, वो रिसर्च पीसफुल मकासद के लिए होती है। मेरा अगरचे बज़ाहर शोबा जूलॉजी है और भी स्पेशल माइक्रोबायोलॉजी है, लेकिन मैंने भी काम किया हुआ, थोड़ा सा मेरा ताल्लुक था कुछ काम के साथ, और उस दौर में मैंने GCU के साथ कोलेब्रेशन की और मैंने रेडिएशन बायोलॉजी पे काम किया हुआ, मैंने रेडिएशन बायोलॉजी पे भी काम किया हुआ। अब ये तो हो गया पीसफुल मकासद के लिए, लेकिन याद रखें कि जो एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं, रिएक्टर वो जगह होती है जहाँ पे आप बिजली बना रहे होते हैं। अब ये मेरा एक लेक्चर है, अपलोड है, मैं उसका लिंक भेज दूँगा, आप लोग उसको सुन लीजिएगा पूरा लेक्चर। ये रेडियो पोल्यूशन, ये तो मैंने लेक्चर, ये आधी क्लास में लेक्चर लिया, वो भूल गया मेरे ख्याल में, आपको रेडियो पोल्यूशन वाला लेक्चर जो था आपकी जब इकोलॉजी, सर याद है वो तो याद है। मैं वैसे बात कर रही हूँ कि इनके ऊपर जहाँ पे रिसर्च हो रही है वहाँ पे भी तो थ्रेट्स होते हैं ना। हाँ नहीं, उसमें आप फिर वो भूल गए, मैंने वही उसमें जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने उसको स्टार्ट ही चेर्नोबिल एक्सीडेंट से किया था। मैंने न्यूक्लियर जो रेडिएशन थी, रेडियो पोल्यूशन के नाम से टॉपिक, इसको तो मैंने स्टार्ट ही चेर्नोबिल एक्सीडेंट से किया था। चेर्नोबिल एक्सीडेंट जस्ट एग्जांपल है कि जहाँ पे काम हो रहा है रिसर्च नहीं, बल्कि वहाँ पे एक्चुअल काम हो रहा था, रिएक्टर था, बिजली बन रही थी, अब उसमें गड़बड़ हुई और वो ज़ाहिर है कि वहाँ पे धमाका हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला वो रिसर्च हो चुका है वहाँ। लेकिन यह था कि चूँकि रशिया बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी बहुत ज़्यादा है, सॉरी आबादी ज़्यादा नहीं है, रकबा बहुत ज़्यादा है और आबादी बहुत दूर दूर बहुत खुली खुली जगहों पर, इसलिए उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जो लोग मर गए हमारे उसको, वैसे भी उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो बड़ी सख्त गवर्नमेंट थी उस दौर की, USSR, उन्होंने उसको पूरा प्रॉपरली जो कुछ करना चाहिए था नहीं किया। और उस दौर में चूँकि ना तो सहाफत वहाँ पर आज़ाद थी, ना किसी को ह्यूमन राइट्स की को बात करने की इजाज़त थी, इसलिए वहाँ पर कोई खास वो नहीं हो सका है। और वो एरिया अभी भी उन्होंने वहाँ पर लोगों को आने जाने की इजाज़त दे दी, हालांकि असली तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए। न्यूक्लियर एक्सीडेंट जब होते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट जापान ने उससे ज़्यादा बेहतर, जहाँ पे जैसे वो एटॉमिक बम गिराया गया था तो वहाँ पे उन्होंने कंक्रीट से उसको कवर कर दिया ताकि रेडिएशन मजीद लोगों को मुतासर ना करे। बहल वो भी इको क्राइसिस, जहाँ पे एटम बम फटते हैं या जहाँ पे एटम बम फाड़े गए हैं या जहाँ पे एटमी धमाका किया जाता है या जमानतदी में किए जाते रहे हैं, वो इंसानों के लिए इंतहाई खतरनाक मिसाइल का बायस बन चुके हुए हैं जगह सारे के सारे। और उस दौर से चूँकि उसकी रीज़न ये है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो जो ये होते हैं आपके रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स, सॉरी गलत हो गया जी, अब कह लीजिए कि जो आइसोटोप रेडियो आइसोटोप जो हैं वो इंतहाई खतरे का वायस, उनकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है और वो ख़त्म नहीं होते, और यूरेनियम जो कि उसमें मौजूद होते हैं वो तो बहुत ही लंबी हाफ लाइफ के साथ। जी ये हमारा था जो टॉपिक आज का, ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीजिंग सी लेवल, समुद्र के जजीरों के अंदर उसका असर
और उसका क्या इफेक्ट होगा पॉपुलेशन पे, ये सब कुछ कहने और उसी से मतलब एक और टॉपिक आप डिस्कस कर दिया है। ये था जी बहरहाल, अभी हमारे पास आज जो को ये रिक्रंट हुआ है, टाइम थोड़ा सा मौजूद है एक्स्ट्रा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि शायद ऐसी मीटिंग उठानी समय पे हुए, दोबारा बंद ना कर दिया इसको। कोई सवाल